केंद्रीय राज्य मंत्री बागपत के सांसद डॉक्टर सत्यपाल सिंह आज पृथ्वीराज चौहान डिग्री कॉलेज का आयोजन किया जा रहा है। दो दिवसीय महिला पुरुष की शूटिंग प्रतियोगिता में उद्घाटन करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने कहा कि बागपत क्षेत्र के प्रतियोगिता में कमी नहीं है बल्कि प्रभाव तरसाने वाले की कमी है। आज हमारे खिलाड़ी विदेश तक में परमंच लहरा रहे हैं। मीडिया सामने उन्होंने बात की कि गुजरात के मामले में बोलते हुए कहा है कि कुछ लोग आए जरूर, लेकिन कुछ ऐसा भी देखने को नहीं मिला। बीजेपी की ही सरकार है। आइए जानते पूरा क्या है मामला। मैं किसी ज्यादा इसलिए भी आज धन्यवाद करता हूँ कि पिछले 4.5 साल से इस गाड़ी में आता हूँ, लेकिन पहली बार आज मैंने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा। वो आपके स्वागत में क्या मुझे भी देखने को यहाँ क्या कैसा है, क्यों आए? सर यहाँ पे इंटर कॉलेज हो रहा है, ये हमारा जो एसपीसी कॉलेज है बागपत में, और यहाँ पे शूटिंग के स्टाफ हो गए। यहाँ पे हमारा इंटर कॉलेज होगा और यहाँ पे सिलेक्शन होगा आगे 3 यूनिवर्सिटीज के लिए, और इसमें हम लोग खेलने के लिए आए हैं। यहाँ पे सब लोग खेलेंगे, यहाँ पिस्टल वाले बच्चे खेलेंगे, वेपन पिस्टल है और राइफल है, दोनों है, मैन वुमन सभी का होगा यहाँ पे। मंत्री जी, डिग्री कॉलेज में आए हो, क्या प्रोग्राम है? देखिए, आज जो है हमारे चौधरी चरण सिंह जो यूनिवर्सिटी है हमारे बीरड में, उसके अंदर में जितने भी कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, उनका सब अंतर महाविद्यालय शूटिंग कंपटीशन का आज यहाँ पर उद्घाटन हुआ है। बहुत इन सभी कॉलेज, देखिए इस बारे में कोई सच्चाई नहीं होती, जब बातें जो आती हैं सारी बातें जो मीडिया में आती हैं, अलग अलग तरह के लोगों के अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं। वहाँ बीजेपी की सरकार है, जो लोग हैं वहाँ पर जो आ रहे हैं, ये बात सही है कि कुछ लोगों के पास वो हुआ है एक एक केस के कारण, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री ने सबको ये आश्वासन दिया है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं, किसी को जाने की जरूरत नहीं, उनका पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। मंत्री जी, राम मंदिर पे तरह तरह के बयानबाजी हो रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आज खेल हो रहा है? लोगों के अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, वहाँ बीजेपी की सरकार है, जो लोग हैं वहाँ पर जो आ रहे हैं, ये बात सही है कि कुछ लोगों के पास वो हुआ है एक एक केस के कारण, लेकिन वहाँ के मुख्यमंत्री ने सबको ये आश्वासन दिया है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं, किसी को जाने की जरूरत नहीं, उनका पूर्ण सुरक्षा दी जाएगी। मंत्री जी, राम मंदिर पे तरह तरह के बयानबाजी हो रही है, क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आज खेल हो रहा था?